आदिदेव, महादेव, जो कि स्वयं में त्रिलोक हैं। लेकिन जब महादेव के लिंग स्वरूप की स्थापना सर्व विद्या की राजधानी में हो और उसकी स्थापना करने वाला महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी जैसा युग पुरुष हो, तो वह स्थान केवल देव स्थल या पूजा स्थल न होकर तीर्थ स्थान समान महत्ता रखता है। यह अद्भुत संयोग आपको विश्वनाथ मंदिर, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अलावा और कहीं नहीं मिल सकता। सर्व विद्या की राजधानी के बिल्कुल मध्य में स्थित यह मंदिर विश्वविद्यालय की मुकुट की भांति सुशोभित है। विश्वनाथ मंदिर BHU को कई नाम से जाना जाता है, जैसे नए विश्वनाथ जी, बिरला मंदिर, बनारसी भाषा में नयका विश्वनाथ और हम छात्रों की भाषा में VT। VT नाम जितना छोटा, इतिहास, भूगोल व वर्तमान उतना ही बृहत। प्राचीन काशी विश्वनाथ मंदिर को कई बार तोड़ने के आक्रमणकारियों के प्रयास ने उसका मूल स्वरूप ही छिन्न भिन्न कर दिया था, जिससे मंदिर को भारी क्षति पहुंची थी। काशी विश्वनाथ मंदिर चूंकि हिंदुओं की आस्था का एक प्रमुख केंद्र था, तो इस पर हमला करके आक्रमणकारी बहुसंख्यक हिंदू जनता के आस्था को चोटिल कर उन्हें एक राजनीतिक संदेश देने का प्रयत्न कर रहे थे। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय की योजना बनाई, तो उसी योजना में उन्होंने नए काशी विश्वनाथ मंदिर को स्थापित करने का मन भी बना लिया था। परंतु सन 1930 में प्रकट रूप में इस योजना को मूर्त रूप देने का जब प्रयास प्रारंभ किया गया, तो इसका विरोध भी हुआ, परंतु महामना अडिग रहे। सन 1930 में योजना बनने के बाद बिरला परिवार ने इस मंदिर को मूर्त रूप देने का भार स्वेच्छा से उठाया, जिसके नाम से इस मंदिर को बिरला मंदिर भी कहा जाता है। महामना के प्रयासों एवं बिरला परिवार के संयुक्त उपक्रम से सन 1931 में इस भव्य मंदिर की नींव रखी गई। नींव रखते समय महामना ने एक उद्धृत शिलापट्ट भी नींव के साथ रखवाई थी, जिस पर यह मंदिर खड़ा है। 1931 से बनना प्रारंभ होकर 35 वर्षों के अथक परिश्रम एवं कौशल के पश्चात जब सन 1966 ईस्वी में यह मंदिर पूर्णतः बनकर तैयार हुआ, तो स्थापत्य कला का एक बेहतरीन नमूना हमारे सामने था। नए विश्वनाथ मंदिर की संरचना महामना ने पुराने काशी विश्वनाथ मंदिर के अनुरूप ही रखवाई। विशाल क्षेत्रफल में फैले इस मंदिर का शिखर इसकी विशेषता है। लगभग 77 मीटर यानी 253 फीट ऊंचा शिखर विश्व में किसी भी मंदिर का सर्वोच्च शिखर है। इस बारे में एक कथा यह भी कही जाती है कि जब मंदिर का निर्माण हो रहा था, तो महामना अक्सर उसका अवलोकन करने आते रहते थे। जब वे अवलोकन करने आते, तो कंस्ट्रक्शन साइट के इंजीनियर उनसे पूछते, महामना जी, शिखर के बारे में क्या ख्याल है? तो महामना का कहना होता, और ऊंचा कर दो। महामना हर बार आते और हर बार इंजीनियरों के पूछने पर उनका यही उत्तर होता, और ऊंचा कर दो। ऊंचा होते होते यह शिखर इतना ऊंचा हो गया कि आज यह कुतुब मीनार से भी 13 फीट ऊंचा है। और मंदिर के शिखर की संरचना कुछ ऐसी है कि चंद्रमा उसके ऊपर स्थित त्रिशूल के हमेशा सीध में ही रहता है और संपूर्ण मंदिर लगभग संगमरमर का ही बना है। चलिए अब आपको मंदिर का दर्शन करवाते हैं और BHU की जिंदगी से रूबरू भी। काश्यति प्रकाश्यति इदं सर्वम् इति काशी, अर्थात वह नगरी जो समस्त विश्व को प्रकाशित करती है, वह काशी है और इसी काशी में विद्यमान है BHU विश्वनाथ। BHU विश्वनाथ मंदिर के भीतर प्रवेश करते ही आपको चारों ओर उद्यान दिखेंगे। इन उद्यानों में पर्यटकों एवं श्रद्धालुओं, आगंतुकों की भीड़ दिख जाती है।
विश्वविद्यालय के अनेक छात्र भी यहाँ पे पढ़ाई करते हुए अक्सर दिख जाते हैं। उद्यान में लगा हुआ गैंडा रूपी फव्वारा बच्चों के आकर्षण का विशेष केंद्र है। मालवीय जी की आदमकद प्रतिमा विश्वनाथ जी की ओर अभिमुख होकर खड़ी है। ऐसा प्रतीत होता है मानो महामना आठों प्रहर भगवान के दर्शन ही करते रहना चाहते हो। विश्वविद्यालय के छात्र एवं आगंतुक महादेव के दर्शन के पश्चात महामना का आशीर्वाद लेना नहीं भूलते। प्रवेश द्वार के बाहर दो द्वारपाल बाबा के दरबार के रक्षक के रूप में खड़े हैं। मंदिर के भीतर प्रवेश करते ही सीढ़ियां हैं जिनके माध्यम से दूसरे तल पर जाया जा सकता है। इसके ठीक सामने गर्भगृह है और गर्भगृह में नियमों के पालन के क्रम में कैमरा नहीं ले जाया जा सकता। मंदिर के बाहर भक्तों की पुकार महादेव तक पहुंचाने के लिए नंदी भी विराजमान है। मंदिर की दीवारों पर उत्कीर्ण भित्तिचित्र भी श्रद्धालुओं के आकर्षण का प्रमुख विषय है। इन भित्तिचित्रों में संत रैदास जी के दर्शन के साथ साथ मालवीय जी का धर्मोपदेश, श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक उत्कीर्ण है। आर्य धर्म की जैन शाखा के आदि पुरुष स्वामी ऋषभदेव का चित्र, एशिया के प्रकाश पुंज के रूप में विश्व प्रसिद्ध भगवान बुद्ध का चित्र, सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि का चित्र एवं सिख संप्रदाय के प्रथम गुरु नानक देव जी का चित्र प्रमुख आकर्षण का विषय है। यह सब चित्र हमें एकम ही सद्विप्रा बहुधा वदंति की मान्यता को चरितार्थ करते हुए दिखाई देते हैं। विश्वविद्यालय के हरे भरे एवं रमणीय वातावरण में यह मंदिर अपनी एक विशिष्ट महत्ता रखता है। भव्य एवं विशाल प्रांगण के साथ साथ स्थापत्य कला की विभिन्न विशेषताओं एवं निर्माण कौशल की खूबियों के कारण यह मंदिर अत्यंत महत्व का है। मालवीय जी महाराज ने इस मंदिर का निर्माण विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर कराया था, इसीलिए यह मंदिर विश्वविद्यालय की संस्कृति का विशेषण है। दिन भर सिंहद्वार से वीटी तक विश्वविद्यालय बस सेवा विद्यार्थियों को सुलभ परिवहन मुहैया कराती है, तो वीटी के संत बाबा के छोले समोसे खाकर ना जाने कितनी पीढ़ियों की PhD पूरी हुई है। विद्यार्थियों में आज भी संत बाबा का क्रेज बदस्तूर बरकरार है और ऐसा हमेशा रहेगा। भीम भैया की चाय में आज भी उतना ही पानी है जितना पीढ़ियों पहले हुआ करता था, और नेता की कोल्ड कॉफ़ी पीते हुए विश्वविद्यालय के विद्यार्थी देश विदेश की बहस करते हुए तमाम शख्सियतों के कान खींचते रहते हैं। यह विश्वविद्यालय की मौज मस्ती और अल्हड़पन का साक्षात उदाहरण है। दिन भर की पढ़ाई लिखाई, लाइब्रेरी क्लास एवं अन्य गतिविधियों से थक हार कर जब विद्यार्थी उठ जाते हैं तो उनके जुबान पे चंद लाइनें यही होती हैं, चल वीटी चाय पी कर आते हैं, वीटी पर मिलिया देख लिया जाई, और यही वीटी का क्रेज है। गाहे बगाहे विश्वविद्यालय की नई पुरानी कई प्रेम कथाएं इसी चौराहे पर। विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर कर्मी या हम छात्रों के जुबान में प्रॉक्टर वाले चचा लोग चौराहे पर सुरक्षा प्रबंधन में मुस्तैदी से तैनात दिख जाते हैं। विश्वविद्यालय के ये प्रशिक्षित मानव संसाधन होते हैं जो फौज के भूतपूर्व सैनिक होते हैं। गलत पार्किंग करने पर एवं भीड़भाड़ होने पर इन प्रॉक्टर कर्मियों को कार्रवाई करते हुए देखा जा सकता है।
बीएचयू वर्ल्ड पूरे विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आप सभी को बीएचयू विश्वनाथ के दर्शन हेतु आमंत्रित करता है। खास करके उन सीनियर्स को जो कि यहाँ से पढ़कर जा चुके हैं, उनसे निवेदन है कि एक बार बाबा का दर्शन करने भी आएं और अपना दर्शन देने भी। बाकी बना रहे बनारस। नमो पार्वती पतये हर हर महादेव।